हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं मैं सारा साफ़ सफाई करके नहा धोकर रेडी हो रही हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर ले रही हूँ क्योंकि आज त्यौहार है, रक्षाबंधन है। तो आप देख सकते हैं मैं अभी अपने वैनिटी के पास बैठ के मेकअप कर रही हूँ। तो आज है 31 अगस्त और आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन तो वैसे कल भी था 30 अगस्त को, लेकिन मुहूर्त सही नहीं था। कल का मुहूर्त लेट नाइट 9 o'clock नाइट से स्टार्ट हुई थी। तो रात में मुझे राखी बांधने का मन नहीं किया, राखी बांधना मुझे सही नहीं लगा। सबसे अच्छा उदया तिथि होता है और आज 31 अगस्त 7:30 तक का मुहूर्त सबसे बेस्ट है। तो हम लोग 7:15 तक राखी बांध लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ फुल रेडी हो चुकी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना सिन्हा और कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मेरे बच्चों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कैसे किया। तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा सुबह उठी थी और सभी काम वाम मैंने कर लिया है। साफ सफाई जो भी करना था मैंने कर लिया और अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। अब मैं सबसे पहले पूजा करूंगी और सभी देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधूंगी। आज का ये व्लॉग रक्षाबंधन की व्लॉग है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुबह हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग 6:15 हो रही है और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं। अब इन्हें मुझे जगाना है, जगा कर फिर इन्हें नहला धुला कर रेडी करूँगी। तो मैंने यहाँ अपने मंदिर में पूजा कर लिया है और मैंने सभी अपने भगवान को राखी भी बांध दिया है, रक्षा सूत्र बांध दिया है, क्योंकि हमारे रक्षक भगवान ही होते हैं और भगवान से बड़ा रक्षक इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों भाई बहन नहा धोकर रेडी हैं और दोनों को देखिए, दोनों एक तरह के कपड़े पहने हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। दोनों की रक्षाबंधन की ड्रेस ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है और आप देख सकते हैं यहाँ रक्षाबंधन की तैयारी है, राखी मिठाइयाँ। अब ईशान भी अपने भाई के ऊपर जल का छिड़काव कर रही है, अब उसे तिलक लगा रही है, फिर अक्षत लगाएगी। अब ईशानवी अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आयांस के लिए सिल्वर राखी खरीदी है। सबसे पहले भाई के हाथ में श्रीफल देगी क्योंकि खाली हाथ राखी नहीं बांधते। तो अभी ईशानवी अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रही है। मैं ईशानवी का हेल्प कर रही हूँ क्योंकि ईशानवी बहुत छोटी है तो वो राखी टाई नहीं कर पाती है, इसलिए मैं उसका हेल्प कर रही हूँ आयांस को राखी टाई करने में। तो प्यारी सी स्माइल के साथ राखी बंध चुकी। अब ईशानवी अपने भाई का मुंह मीठा कर रही है मिठाई से और आयांस भी अपनी बहन को मिठाई खिला रहा है, आप देख सकते हैं। अब ईशानवी प्यार से अपने भाई की आरती कर रही है। अब आयांस का फ़र्ज़ है अपनी बहन को गिफ्ट देना, आप देख सकते हैं ईशानवी को उसका मनपसंद गिफ्ट मिल गया है।
काफी खुश लग रही है मेरी गुड़िया। आयांश को भी उसका मनपसंद गिफ्ट मिल चुका है। अब आयांश अपनी बहन को पैसे भी दे रहा है। अब ईशानवी अपने पापा को भी राखी बांधेगी। तो आप देख सकते हैं वो अपने पापा के माथे पे तिलक लगा रही है। अब उन पे अक्षत से छिड़काव करेगी, फिर अपने पापा की कलाई पे राखी बांधेगी। एक बेटी को अपने बाप के भी कलाई पे राखी बांध सकती है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी का स्ट्रेंथ होता है, ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करता है। तो मुंह भी ईशानवी अपने पापा का मीठा कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे अपने मनपसंद खिलौने से खेल रहे हैं। उनको जो रक्षाबंधन की गिफ्ट्स में मिली है, ईशानवी को ये डॉल मिली है चेयर वाली, और आयांश को उसका फेवरेट JCB मिला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।